ना गुरु कर, एक अगर गुरु किया को हर्जा नहीं, मंदिर में जाते हो गुरु में जाते हो करो को हर्जा नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये आत्मा के लिए, वो शरीर के लिए, शरीर का गुरु धर्म मंदिर पूजा जो करते हो सब करो, ये आत्मा के लिए अलग है। शरीर और आत्मा दो अलग है ना, आत्मा का गुरु नहीं करते शरीर का, तो वो करो को हर्जा नहीं, ठीक है, कोई धरना नहीं करो। कोई मंदिर में जाते हो पूजा करते हो वो भी करो, छोड़ना नहीं, वो शरीर का धर्म है। और ये आत्मा के लिए अलग कर रहा, दोनों चीज अलग है। और बताओ, शिव जी का ना शंकर, शंकर किसकी साधना करता है हिमालय पर? शिव का। शंकर हिमालय पर किसकी तपस्या कर रहा है? शिव का। तो आप किसकी तपस्या करना है, शंकर का करना चाहते हो कि शिव का? हाँ, शिव ने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, शंकर ने नहीं कहा, शंकर भगवान ने नहीं कहा मैं पावन करता हूं। हाँ ना, जप नहीं करो ना, जप नहीं करो, जप से कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठ कर पिताजी पिताजी करते रहो तो क्या देगा? पिताजी जो कहता है वो करना है, करने से होगा। आप पिताजी की पूजा करो, मूर्ति रखो, कुछ मिलेगा नहीं। पिताजी ने क्या कहा वो करो, शिव ने, शिव भगवान ने क्या कहा वो करो, वो छोड़ के शिव की मूर्ति रखो पूजा करते रहो तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं करता है लेकिन मानता नहीं है, है ना। पिताजी ने कुछ कहा सुनता ही नहीं, और पिताजी की पूजा करता है, हार पहनाता है रोज, तो चलेगा नहीं। मानने वाला चाहिए, पूजा करना सहज है तो लोगों को भक्ति सही लगती है, लेकिन उस पर रास्ते पर चलना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते तो प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। और बताओ,